जयपुर के चाकसू में शनिवार सुबह NH 12 निमोड़िया मोड़ पर ट्रक और वैन की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा निमोड़िया कट के पास हुआ। एक ही को वैन बेकाबू होकर ट्रेलर में जा घुसी। घटना में 5 लोग घायल बताए जाते हैं। इनका महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज जारी है। एक परीक्षार्थी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। बाकी 2 घायलों का चाकसू अस्पताल में और 2 का महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज जारी है। मारे गए सभी लोग वैन में सवार थे, इनमें वैन का ड्राइवर भी शामिल है। बाकी 5 लोग बारा जिले के कवाई थाना क्षेत्र के गोर्धनपुरा नयापुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो रीट की परीक्षा देने सीकर जा रहे थे। वैन में करीब 11 लोग सवार थे। मृतकों और घायलों की पहचान इनके एडमिट कार्ड से हुई। इसके बाद सभी के परिजनों को सूचना दी गई। हादसे के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। CM अशोक गहलोत ने अपील की है कि सभी अभ्यर्थी यात्रा करते हुए सावधानी रखें, तेज गति और असावधानी पूर्वक तरीके से वाहन न चलाएं, यथासंभव सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। कोई भी परीक्षा आपके जीवन से बड़ी नहीं हो सकती।